सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन दोस्त भी प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज मैं इस चरखी को बनाने लग रहा हूँ, और ये देखिए, ये जंबो चरखी, इसको भी मैं बनाऊंगा और आप लोग को बना करके दिखाऊंगा। और ये बहुत बड़ा चरखी है फ्रेंड्स, और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि सिर्फ अगर 25 लोगों ने कमेंट करके ये बता दिया कि अंकल इस चरखी को बनाना सिखाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा। ये मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक डेढ़ घंटे के अंदर ही जो है 5000 व्यूज क्रॉस कर गए, और कम से कम 200 के करीब आसपास के लोगों ने बोला कि अंकल इस चरखी को बना करके दिखाओ। मैंने तो सिर्फ 25 लोगों से बोला था कमेंट करने के लिए, यहाँ पे 200 लोगों ने कर दिया। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस चरखी का ये स्टैंड है, और ये एक्चुअली ये स्टैंड चरखी का नहीं है, ये कुर्सी का है, और वो चाइनीज कुर्सी थी। कुर्सी तो टूट गई, कुर्सी टूट करके दो टुकड़ा हो गया। कुर्सी एक साल भी नहीं चला, उससे पहले ही टूट गया, और कुर्सी को हमने कबाड़ी को बेच दिया। कुर्सी हमने 2800 रुपये की खरीदी थी, और कबाड़ी उस कुर्सी को 150 रुपये में ले गया। और ये नीचे का स्टैंड हमने अपने पास ही रख लिया था, और इसको हमने अब बनाना है इसका स्टैंड, और बहुत जल्दी हम इसका स्टैंड भी बना करके दिखाएंगे। अभी ये आधा बना हुआ है, इसमें हम पाइप वगैरह और लगा करके इसको पूरा बनाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स, इसको हम इसमें रख देते हैं, क्योंकि कल हमने जब पतंग उड़ाई थी, और वो पतंग थी आपका बैटमैन का ही, चमगादड़ वाली पतंग, तो तब हमने इसको दिखा दिया था। और इसको बनाने के लिए हमारे पास जो है क्या है, ये देखिए, ये दो व्हील कवर है। हमारे पास एक सेंट्रो गाड़ी थी फ्रेंड्स, और सेंट्रो गाड़ी जो है हमने काफ़ी पहले खरीदी थी, आज से 10 साल पहले खरीदी थी, और अभी हमने 2 साल पहले उसको सेल भी कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमने उस सेंट्रो कार जब हमने शोरूम से लिया था, फिर हमारे को बड़ा जोश आ गया, नया गाड़ी ली है, तो उसमें हमने क्या किया, अलॉय व्हील लगा दिया, तो ये सब बेकार हो गए, और इसको हम लोगों ने अपने पास संभाल करके अपने गैरेज में रख लिया था, और अभी हमने गैरेज में से इसको निकाल करके और ये बना दिया ये चरखी, और दो हमारे पास बच गया, तो इस दो को अभी हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अभी तो दो ये कार की, सेंट्रो कार की जो हमने बनाया है, वो हम आपको बता रहे हैं। व्हील कैप है, ये एक पाइप है, और ये जो है हमारे छत पे लगा हुआ है। अभी हम कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, छत पे मोटे मोटे पाइप लगे हुए हैं बारिश के पानी नीचे उतरने के लिए। तो ये पाइप का टुकड़ा भी हमारे पास बचा हुआ था, हमारे पास ये कम से कम 40 इंच लंबा टुकड़ा बचा हुआ था, जिसमें से हमने इस वाले चरखी में 15 इंच का यूज़ कर लिया है, और करीब इसमें हम 18 इंच का यूज़ कर रहे हैं, और ये प्लस बचा हुआ है अभी हमारे पास। तो ये आपका प्लास्टिक का पाइप है, और ये गाड़ी की व्हील कैप है, और ये भी हमारे पास, ये इसके अंदर पानी का पाइप, आजकल पहले लोहे के पाइप आते थे, लोहे के पाइप पहले ऐसे आते थे, ये लोहे का पाइप है फ्रेंड्स, ये वाला लोहे का पाइप है, और पर आजकल पानी का पाइप इस तरह का आता है, और आजकल लोग सारे टंकियों में इसी तरह के ही पाइप लगते हैं, पूरे दुनिया भर में इस तरह का ही पाइप का यूज़ हो रहा है, अब लोहे के पाइप का यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारे को लोहे की पाइप की भी ज़रूरत पड़ेगी इस चरखड़ी को बनाने में। लिए एक्चुअली चरखड़ी नहीं है, चरखड़ा है। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से एक, हमारे पास ये टिफिन बॉक्स तो खो गया, उसका ढक्कन घर पे पड़ा हुआ था, बचा हुआ था, तो इस ढक्कन को हम इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर इस व्हील कैप को रखेंगे। मैं कैमरा मैन को बोलूँगा कि वो खड़े होकर के आपको सीधा सीधा दिखाएं कि किस तरह से क्या होगा। ये जो टिफिन बॉक्स का ढक्कन है, टिफिन बॉक्स तो खो गया और इसका ढक्कन रह गया, तो इस कैप को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल सेंटर पे। आप यहाँ पे एक गोला देख रहे हैं, ये जो गोला है ये इसका सेंटर है, पूरे व्हील का ये सेंटर है, और ये जो व्हील है 14 इंच का है, और ये इसका सेंटर है। ये लोहे का पाइप जो है, इसको हम गैस में गर्म करेंगे, इतना हिस्सा गर्म करेंगे सिर्फ, ज़्यादा नहीं, और ये पाइप थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा नहीं होगा, छोटा पाइप होगा, हम गर्म करेंगे तो हमारा हाथ ही जलेगा, या तो उसको कपड़े से पकड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ये 3 फीट का डंडा है, 3 फीट की पाइप है, तो इसलिए हमारा हाथ नहीं जलेगा। तो हम इतने हिस्से को गर्म करेंगे, और गर्म करके क्या करेंगे, इस पर प्रेस करके, इसको प्रेस करके ऐसे करके हम दबा देंगे, और ये ढक्कन रखना जरूरी है फ्रेंड्स। आपको पहले ही बता दूं कि अगर ये ढक्कन रखेंगे तो ऊपर से प्रेशर अच्छा आएगा, और प्रेशर अच्छा आने से क्या होगा, इसमें सुराख बन जाएगा, जैसे ही सुराख बनेगा उसमें हम ये प्लास्टिक वाला पाइप डाल देंगे, जैसा कि हमने इस चरखी के अंदर बनाया हुआ है। तो चलिए
फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास गर्म करने का कोई अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे स्टूडियो है। हम अपने घर में नीचे के हिस्से में जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास गैस का चूल्हा है और गैस के चूल्हे में इसको गर्म करके फिर लगा करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात हम आपको बता दें कि ये जो मैं चरखी बनाना सिखा रहा हूँ इसको छोटे बच्चे नहीं बनाएंगे। जिनकी उम्र 13-14 साल से कम है वो बच्चे नहीं बनाएंगे इसको, जो बनाएंगे 13-14 साल से ऊपर वाले ही बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नीचे वाले घर में चलते हैं और वहाँ पे चल करके इसको सुराख को हम निकालते हैं। सबसे पहले सुराख करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोग किचन में आ गए हैं और किचन में आ गए हैं, अब गैस को जलाते हैं और गैस को जला करके जो है हम आपको, तो यहाँ से ऑफ है, अब जलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को जला दिया और गैस को जलाने के बाद इस पाइप को जो है हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, अब इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये 2-3 मिनट में एकदम गर्म हो जाएगा। जब पूरा गर्म हो जाएगा तब हम इसी से ही जो है सुराख को निकालेंगे। अभी ये गर्म हो रहा है, आप देखिए ये गैस ऑन है और इस पाइप को हमने लोहे के पाइप को ला करके रख दिया और बिल्कुल हम इस जगह सुराख को निकालेंगे। इस पॉइंट पे सुराख को निकालेंगे और सुराख को निकालने से पहले ये जो कटोरी है इसको हम यहाँ पे नीचे रखेंगे ताकि हम जो लोहे के डंडी से जो प्रेशर दें तो इसके ऊपर प्रॉपर प्रेशर पड़े। तो अभी चलिए थोड़ा सा उसको गर्म हो जाने दीजिए, फिर हम आगे दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पाइप अब गर्म हो चुका है, अब हम लोग सुराख निकालने लग रहे हैं। और आप लोग देखिए, ठीक गौर से देखिएगा, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो 13-14 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो बिल्कुल इस काम को नहीं करेंगे। ये सिर्फ बड़ों के लिए है और बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इस तरह से पाइप को गर्म करके सुराख वगैरह निकालना आपका हाथ वगैरह जल सकता है, इसलिए छोटे बच्चे इस काम को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम गैस को बंद करते हैं और इस पाइप को लेते हैं। और इस पाइप को लेकर के जो है सबसे पहले हम इसको नीचे रखेंगे। ये देखिए, हमने इसको नीचे रख दिया और नीचे रखने के बाद जो है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। और ये देखिए सुराख निकालने जा रहे हैं और ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल सेंटर पे रख दिया और सेंटर पे रख करके ये मैं इसको प्रेशर दे रहा हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सुराख निकल गया। ये देखिए, अब ये गर्म गर्म धुआं भी आ रहा है। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से घुमा लेंगे पाइप को, क्योंकि आपकी ये जो पाइप है ये 1.25 इंची पाइप है और इसके अंदर जो आपने पाइप डालनी है वो 1 इंची पाइप है, तो इसलिए इसको आप जैसे ही ये गर्म होकर के आर पार हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको आप हल्का हल्का सा घुमा भी देंगे, तो घुमाने से ये होगा कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सुराख और इसके अंदर पाइप सेट बैठ जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, अब हम दूसरे वाले की भी निकालेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम इस वाले में सुराख निकालने जा रहे हैं, उसमें निकल गया। वो देखिए, आप कैमरामैन को बोलूंगा बिल्कुल पास ला करके दिखाई। ये देखिए, ये सुराख निकल गया। ये देखिए, ये वाला सुराख अभी हमने निकाला है, ये सुराख निकल गया। और अब इस वाले में निकालेंगे, तो इसको अब हम इसके ऊपर रख देते हैं और इसको इसके ऊपर रख करके हमारा ये लोहे की डंडी जो है ये गर्म हो चुकी है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले वाले को किया था, बिल्कुल सही निशाना लगा करके ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देंगे और ये देखिए पट से आवाज आई ना, वो घुस गया और वो टिफिन का जो ढक्कन था, और इसको भी थोड़ा सा हल्का हल्का हम घुमा देंगे। ये देखिए धुआं निकल रहा है, बस हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें भी सुराख निकल गया। इतना आसान था और आप लोग घबरा रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम ऊपर चलेंगे। अब हमको गैस ऑफ कर देना चाहिए, गैस ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने गैस ऑफ कर दिया, यहाँ पे काम खत्म हो गया। इसमें हमने सुराख निकाल ली, ये देखिए आप ये देख सकते हैं चक्की का पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार है। अब ऊपर चल करके हम इसकी फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम ये करके आ गए हैं चुपचाप, और ये देखिए इसमें जो हमने इसको पहना भी दिया। और अब इसको हम वापस खोल लेते हैं क्योंकि अभी हमारे को इसमें कुछ काम है, और वो क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। एकदम बहुत बढ़िया बन गया है फ्रेंड्स, एकदम टाइट बैठ रहा है, मेरे को यही देखना था। ये देखिए, अब इसको हमने खोल लिया, इधर वाले को भी खोल लेता हूँ मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, खोल लिया। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने पाइप ली है, इस वाले में हमने ये वाला यहाँ पे जो इसका हिस्सा है ये 15 इंच का है इसके अंदर, और इसमें हमने 18 इंच लिया है। यानी ये वाला जो चरखी बनेगा अब ये और भी बड़ा बनेगा, यानी ये जो चरखड़ा बनेगा और भी बड़ा बनेगा। ये छोटा है और ये इससे साइज बड़ा है, यानी इसमें पाइप 18 इंच का है और इसमें 15 इंच का है। चक्के के साइज दोनों के सेम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रख देना है और इसको आप पलट दीजिए, पलट करके ऐसे रखिए, और बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको ऐसे रख दीजिए, ये इसमें पहन गया, इतना हिस्सा तैयार हो गया आपका। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रस्सी से बांधना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप रस्सी से नहीं बांधेंगे तो रस्सी कौन सी होनी चाहिए, इस तरह की प्लास्टिक की रस्सी आती है मार्केट में, ये देखिए इसमें से रस्सी निकल रहा है, ये पैकिंग की रस्सी कहलाती है, जिससे हम लोग सामान वगैरह पैक करते हैं दुकानदार लोग, तो उनके पास इस तरह की रस्सी होती है। आप उनसे थोड़ा सा रस्सी मांग लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 25-30 फीट की रस्सी चाहिए होगी, तो खरीदने की भी ज़रूरत नहीं। हालांकि ये 100 रुपये का आ जाता है। और ये देखिए हमने रस्सी लिया है, और रस्सी को क्या करना है, 4 रस्सी लेनी है आपने, और इस तरह से रस्सी को लेकर के आप डबल कर लेना है रस्सी को, और ऐसे गींठ बांध लेना है, ये देखिए इस तरह से गींठ बांध लेना है ताकि रस्सी मजबूत रहे, इस तरह से गैप दे दे करके गींठ बांधना है आपने, ये मैं आपको बात करके दिखा रहा हूँ, चारों रस्सी में इस तरह से करना है। और ये देखिए अब मैंने कर दिया इसको, इसी तरह से आपने 4 रस्सी बनाने हैं, ये देखिए मैंने बना रखे हैं, 1, 2, 3 और 4, ये देखिए मैंने 4 रस्सी बना लिए हैं। चारों रस्सी को क्या करना है, चारों रस्सी को ये वाले जो खांचे हैं, जो आपने खांचे बनाया है, ये वाला नहीं, ये जो गोल पहले से जो बने हुए हैं, इसके अंदर एक एक करके डालना है और डाल करके पिरोना है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने रस्सी ले ली है, और रस्सी नहीं, ये एक हिसाब से प्लास्टिक का पैकिंग का ही थ्रेड है, और ये मैंने एक प्लास्टिक की डंडी ली, आप कोई सा भी डंडी ले लीजिएगा, ये तो हमारे पास जो पड़ा हुआ था वो हमने ले ली, और ये बिल्कुल आराम पार करना है आपने, ये देखिए हमने आराम पार कर लिया, और आराम पार करके क्या करना है आपने, इसमें से खींचना है रस्सी को, और रस्सी का जो ये एक हिस्सा है, इसके अंदर आप यहाँ पे एक फंदा बना रखा है मैंने, और इस फंदे के अंदर मैंने पिरो दिया, अब इसको क्या करेंगे, इसमें खींच लेंगे, हम खींचेंगे कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये हम इस तरह से खींचेंगे, ये रस्सी आ गई 1 सेकेंड के अंदर, इसी तरह से हम सारे रस्सियों को खींच लेंगे, यानी दो बगल बगल की सुराख में से ये रस्सी को हम लोग निकाल करके ये फिर से पहना देंगे, एक को इधर से पहना देंगे, एक को इधर से पहना देंगे, ये देखिए, और ये आ गया, और इसको वापस जो है हम लोग बांध देंगे, अभी बहुत टाइट मत बांधिएगा, अभी थोड़ा सा हल्का ही बांधिएगा, फिर उसके बाद जो है टाइट बांधेंगे हम बाद में, ये थोड़ा सा हल्का बांध दीजिए ताकि ये टिका रहे, फिर वापस हम क्या करेंगे, अभी इसमें से फिर से रस्सी लेंगे, और रस्सी लेकर के क्या करना है हमने डालना है, तो पहले इधर से हम डंडा पिरो लें बगल वाले सुराख में से, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है, पहले एक सुराख में गया था, अब इसके बगल वाला सुराख जो है उसमें से हम लोग जो है इसको पिरो देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से डंडी बाहर आ गई, और क्या करेंगे रस्सी का एक हिस्सा जो है इसमें से लेकर के वापस खींच देंगे, ये देखिए ये खींच दिया और रस्सी जो यहाँ से बाहर आ गई, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरफ से भी हमने रस्सी डाल दिया है, और इस रस्सी को अब हम इधर से खींच लेंगे इस पाइप के सहारे, इस पाइप में ये देखिए ये हमने इधर से खींच लिया, और ये देखिए हमने पाइप में हुक बना रखा था बारीक से तार की, और शायद आपको नज़र आ जाए, ये देखिए इसमें हमने एक हुक सा बनाया हुआ था, और इसी से हमने खींच लिया, और खींच करके जैसे वो पैजामा में नाड़ा पहनाते हैं ना, पैजामा में नाड़ा पहनाते हैं, उसी तरह से ये कुछ कुछ ही है, और ये देखिए अब हम इसको कस करके बांध देंगे फ्रेंड्स, ताकि ये आपस में टाइट रहे, ये देखिए इन दोनों छेद में से, उधर वाले छेद में से भी हमने रस्सी पिरो करके इधर निकाल लिया, अब इसको हम कस करके गींठ बांध देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जितना ताकत हो सके लगा करके गींठ बांध देंगे, ताकि ये बिल्कुल टाइट रहे, हिले डुले नहीं, और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चरखी है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं बड़ा है तो मैटर डिफरेंट है, और ये जो एक्स्ट्रा रस्सी बच गया इसको गींठ लगाने के बाद हम लोग कैंची से यहाँ से काट देंगे, और ये देखिए इसको हमने काट दिया, अब क्या है कि ये गंदा लगेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एक हम धागे में बांध करके, ऐसे ही रस्सी में बांध करके इसको हम खींच करके इसके अंदर डाल करके छोड़ देंगे, तो फ्रेंड्स पहले हम इधर वाले को भी बांध लेते हैं, ये वाला हमने लूज बांधा था, आपको याद होगा कि हमने बोला था इसको लूज बांध के छोड़ देता हूँ, तो अब इसको भी हम टाइट कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स अब इसको भी हम टाइट करके बांधने लग रहे हैं, ये देखिए इसको ऐसे करके आप ऐसे करके एक नॉट बांधिए और कस दीजिए, जितना आपके अंदर ताकत है उतना कस दीजिए इसको आप, और कसने के बाद फिर इसको ऐसे कर दीजिए, एक और नॉट बांध दीजिए, और ये देखिए एक हमने और बांध दिया, और ये देखिए ये हो गया, और इसको क्या करें आप, ये फालतू का है, इस फालतू के चीज को काट देते हैं, अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये तो बहुत गंदा लगेगा अगर ये बाहर रहेगा, आप चीज इतना सुंदर बना रहे हैं और इस तरह से अनफिनिश वे में छोड़ देंगे तो गंदा लगेगा, तो इसको हमको अंदर करना है, अंदर कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ,
देखिए बिल्कुल एकदम तैयार हो चुका है, और इधर हमने रस्सियाँ बांध दी सारी टाइट करके, इधर की रस्सियाँ इधर से निकाल निकाल करके बांध दी, और अब इसके अंदर हम डंडा डाल देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एम सील आती है, एम सील लगानी है आपको, ये जो यहाँ पे है पूरा के पूरा इसमें एम सील लगाना है। ये तो एक दूसरा चीज़ भी आता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये तो हमारा पूरा बन चुका है, और इसमें जो है हमारे को जो है इस तरह का जो है एक ट्यूब आती है, इस ट्यूब को लेकर के यहाँ पे चारों तरफ से लगाना है आपने। और ये देखिए ये ट्यूब, या आप एम सील भी लगा सकते हैं, एम सील ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी मेरे पास एम सील नहीं है, आप एम सील यहाँ पे लगा सकते हैं, एम सील बहुत अच्छा होता है। और इसको भी हम कवर कर देंगे, और ये देखिए ये थोड़ी देर बाद जो है ये जोड़ देगा इसको, और बिल्कुल भी हिलने नहीं देगा, ऐसे भी हिल नहीं सकता क्योंकि ये चार चार रस्सियों से बंधा हुआ है, इसलिए हिल तो सकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम इसको और सेफ्टी के लिए इसको लगा दे रहे हैं। और अगर आपको एम सील मिल जाए तो एम सील लगाइए, कि एम सील ज़्यादा अच्छा है, ये दोनों तरफ ही लगाना है, उधर भी लगाना है इधर भी लगाना है आपने। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने दोनों तरफ लगा दिया ये, और इसको लगा करके जो है थोड़ी देर आप सूखने छोड़े। फाइनल बन चुका है, और इसमें सिर्फ डंडी पिरोनी है, तो डंडी पिरोने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर हमने इस तरह से अगेन कटोरी के ऊपर रख देना है, और ये जो प्लास्टिक का डंडा है इसको हम इस तरह से इसके अंदर डालते चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये डरता चला जा रहा है, और इसको हम लोगों ने उस पार अब निकालना है, और इस पार जो दूसरा सुराख है उसमें से निकाल देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स इधर से निकल आया, अब जो भी डंडी का साइज है जो जितना इधर होगा फ्रेंड्स उतना ही उधर होना चाहिए, और देख लेता हूँ इधर कितना है, इधर 6 इंच आ रहा है फ्रेंड्स, ये 6 इंचेस है, इधर कितना आ रहा है इधर का भी चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स, इधर 6 इंच से आधा इंच बड़ा है, तो यानी इसको हमको इधर थोड़ा सा डालना पड़ेगा, ये 6 इंच इधर हो गया फ्रेंड्स, 6 इंच इधर भी हो गया, ये देख सकते हैं आप ये 6 इंच का निशान है फ्रेंड्स। अगेन क्या करना है, अगेन इसको लेकर के आपने जो ये इसको इसके इधर चारों तरफ लगा देना है लाइक दिस, और इस तरह से इसको सूखने के लिए आपने एक दिन के लिए छोड़ देंगे, और ये फाइनल हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। और फिर इसके ऊपर आप टेप लगाना चाहें, कुछ भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, और इधर से भी आप लगा दीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स इधर से भी मैंने लगा दिया, तो फ्रेंड्स अब ये चरखी बनके तैयार हो गई है, और ये देखिए फ्रेंड्स, और ये जो चरखी है इससे बड़ी है फ्रेंड्स, इस वाले से बड़ी चरखी है ये, आप ये देखिए इसका साइज और इसका साइज आप देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। ये 15 इंच में बना हुआ है, यानी इसकी गहराई जो है 15 इंच है, इसे 18 इंच की गहराई में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये आपकी चरखी तैयार हो गई है, और इसमें आप अगर चाहे तो जैसे मैंने इसमें टेप लगा रखा है तो आप भी टेप लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह के टेप आते हैं मार्केट में, लेकिन मैं अब इसमें टेप नहीं लगाऊंगा फ्रेंड्स। ये देखिए रंग बिरंगे टेप आते हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरह के रंग बिरंगे टेप आप ये जैसे इसमें लगा हुआ है इस हिस्से में आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको लगाने के फेवर में नहीं हूँ, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो अब इसको थोड़ा सा घुमा करके देख ले भैया, ये बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा ये सूख जाएगा और एम सील लगा दूंगा मैं बाद में, ये बहुत बढ़िया मस्त, इससे भी बड़ा, बहुत जल्दी से दूर के दूर का जो आपका पेज का पतंग के पेज के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चरखी तो हमने बना करके स्टैंड पे लगा दिया, और अभी ये सूख रहा है, इसमें जो अभी हमने वो सब एडिसिव लगाया वो सूख रहा है, तो चलिए थोड़ा सा धागा तो लपेट के दिखाई दूँ आप लोगों को, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि क्या चरखी बनाई धागा नहीं लपेट के दिखाया। और ये देखिए ये स्टैंड में फंसा दिया, और अभी मैं ऐसे टेम्परेरी थोड़ा सा इसमें धागा लपेटूंगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लपेट पाऊंगा अभी, क्योंकि ये देखिए इस पर इस तरह से धागे को बांध देना है, और ये देखिए मैंने धागे को इस तरह से बांध दिया, और
इसके ऊपर थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि धागे को बांधने के बाद इसके ऊपर हल्का सा मैं टेप लगा दूंगा ताकि धागा स्लिप ना करे। ये देखिए टेप का छोटा सा टुकड़ा लेकर के इसके ऊपर मैं लगा दूंगा इस तरह से। ये देखिए ये लगा दिया मैंने और अब इसको क्या करना है, इसको अब मैं लपेट के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, वो चरखी भी घूम रही है, ये भी घूम रही है, बहुत तेज ये खाली कर देगा फ्रेंड्स उस चरखी को। मैं आपको बता दूँ कि बहुत स्पीड से लपेटता है ये। और यहाँ पे एक हमको आदमी और चाहिए या हमको यहाँ पे धागे को पकड़ने के लिए चाहिए ताकि धागा जो है, अभी आप देखिए कितना तेज लपेट रहा है ये। और मैं इसकी स्पीड जैसे बढ़ाऊँगा वैसे इसकी लपेटता चला जाएगा। बस मैं ज़्यादा नहीं लपेटूंगा, बस थोड़ा सा ही आपको लपेट करके दिखाऊंगा मैं। बहुत स्पीड है फ्रेंड्स इसकी। ये देखिए सफ़ेद धागा ख़त्म भी हो गया चरखी में, अब लाल आने वाला है। ये 6 नंबर का सद्दी ख़त्म हो करके अब ये 4 नंबर का लपेटना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। बहुत स्पीड है फ्रेंड्स, आपको पता नहीं चल रहा है। वो देखिए वो गिर भी गया स्टैंड पे से। तो ये देखिए मैंने आपको थोड़ा सा लपेट करके दिखा दिया। अभी बस इतना ही आज के लिए, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और बहुत जब आप इस चरखी को तब बनाइए जब आपके पास बहुत सारा धागा हो, तभी आप इस चरखी को बनाइए। और जब बहुत पार पेच लड़ाते हैं ना, जो 1500 मीटर पे उससे भी आगे पेच लड़ाते हैं उनके लिए है। अगर बहुत दूर पेच कोई कट जाती है तो इस चरखी से लपेटना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि ये मिनटों के अंदर जो है, घंटों का काम मिनटों में कर देगा और मिनटों का काम सेकंडों में, चुटकियों में कर देगा। तो इस चरखी का ये फ़ायदा है। और मैं और क्या बताऊँ, तो आप लोगों को कैसा लगा ये आपने बताना है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।